एक टर्म मैंने पढ़ा आप लोगों में आईयूआई वेयर द वाई क्रोमोसोम्स आर उनको यूज करते हैं। आई डोंट नो द मेडिकल टर्म्स इनटू इट ये लीगल प्रोसेस है या क्या है आईयूआई नहीं आईयूआई में हम स्पर्म्स uh, को वॉश करके यूट्रस में uh, डालते हैं डिलीवरी में प, जो कई बार देखा है कि प्रेगनेंसी हो गई बट देयर आर कॉम्प्लिकेशंस और इन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से Uh, multiple things can happen. So, females who are pregnant now, what precautions they should take on the diet or मल्टीपल थिंग्स the ना front देक ऑन एक्सरसाइज फ्रंट और झोला छाप हो उसको भी डॉक्टर्स ही बोलते हो mm -hmm. कि ये बहुत कॉमन है लोग ना एबॉर्शन करवाने के लिए कुछ भी बता देते हैं ताकि अबॉर्शन हो जाए चाहे वो में बेबी हेल्दी भी हो uh -huh. तो भी उसको बता के अबॉर्शन uh -huh. करा देते uh -huh. हैं

या इसकी व्हाट आर द रीजंस फॉर हैविंग अ ब्रेस्ट कैंसर पीसीओडी है दोस्तों विष्णु भगवान अवतार लेने वाले हैं जब ये युग खत्म होगा जब बहुत सारे इवल स्प्रिट्स आ जाएंगे बहुत बुरे लोग हो जाएंगे तो उनको खत्म करने के लिए कहते हैं कल की अवतार लेंगे विष्णु जी और विष्णु जी का साथ देने के लिए सेवन इमोटल्स आएंगे जो विष्णु भगवान के सात ऐसे अवतार अश्वत्थामा और जो अलग अलग सात अवतार हैं वो भी उनका साथ देंगे इस दुनिया से बुराई को ख़त्म करने के लिए ये बात मैं तो हमेशा सोचता हूँ पता नहीं आप सोचते हैं कि नहीं इन सारे इमोटल्स में कोई लड़की क्यों नहीं है कोई देवी क्यों नहीं है पता नहीं मैंने रिसेंटली एक बुक पढ़ी आई वॉन्ट अ बॉय लिखिए डॉक्टर अरुणा कालरा ने जो एक बहुत डीप मैसेज छोड़ के जाती है कि इस दुनिया में अभी भी हम लड़कियां क्यों नहीं चाहते आइए हम बात करते हैं डॉक्टर अरुणा कालरा से इस टॉपिक पे डिटेल में जहां हम बहुत सारी बात करेंगे वाई पीपल वॉन्ट अ बॉय वाई नॉट गर्ल और कुछ हम गायनिक डिस्कशंस भी करेंगे ताकि जनरेशन को फीमेल्स को जो मेरे शो को देखती हैं उनको भी कुछ इन्फॉर्मेशंस मिल सकें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो लाइक कर लो हमारा एक और चैनल है जहाँ हम पूरे पॉडकास्ट को छोटे छोटे क्लिप्स में डालते हैं बी क्लिप्स के नाम से ताकि आप बड़े पॉडकास्ट के छोटे छोटे क्लिप्स देख सकें आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो मैम थैंक यू वेरी मच फॉर बींग ऑन दिस शो ऑफ बुक्स एंड थ्योरीज पॉडकास्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इंसाइटफुल बुक आपकी ऑटोबायोग्राफी है एंड आई वुड से कि आपने बड़े दिल से लिखी है मतलब कई चीज़ तो पढ़ते समझ मुझे लग रहा था कि शायद आपने कैसे लिख दी है तो बिफोर दैट आई कम टू अ वेरी सेंसिटिव क्वेश्चन जो आज की डेट में बहुत स्ट्रोंग चल रहा है अबाउट द कोलकाता रेप

एक डॉक्टर जो कि एक आई ऑफिसर की बीवी को भी देख रही है एक पुलिस इंस्पेक्टर की बीवी को भी एक आ, चोर की बीवी एक बैगर की बीवी जब आपने देखा होगा बुक में तो हर एक सोशो इकोनॉमिक स्टेटा और हर एक एजुकेटेड और अनएजुकेटेड क्लास को देख रही है जब वो एक सफ़ेद कोट पहनकर बैठी है तो उसे ये पता है कि इसका रिस्पेक्ट हो रहा है और शी इज़ प्रोटेक्टेड गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जो इस बुक में डिस्क्रिप्शन है वही कहीं कोलकाता रेप केस में भी है कि हम लोग छत्तीस छत्तीस घंटे ड्यूटी करते हैं एज इंटर्न एज पोस्ट ग्रेजुएट बट वी डोंट हैव रूम टू स्ट्रेच आवर सेल्व वी डोंट हैव रेस्ट रूम सेपरेट रेस्ट रूम टू गो टू इफ देर इज़ अ रेस्ट रूम इट इज कॉमन एंड मोस्ट ऑफ द टाइम देर इज़ अ ग्लास विंडो विच वी पैच विद Uh, न्यूज़ पेपर बुक में ही किया है और uh, आप बैठ रहे हैं तो आपको वो लग रहा है कि वहाँ से कोई जा रहा है तो वही कैन सी थोड़ा सा बैठ कर uh, दरवाज़ा नहीं है कमरे में पंखा नहीं है और अगर आपने और ये उस वक्त की बात नहीं है जब मैंने नाइन्टीन नाइन्टी वन में अपना एम बी बी एस या पोस्ट uh, ग्रेजुएशन शुरू किया उसके बाद नाइन्टी एट में या आज की डेट में जब मेरी बेटी भी पोस्ट uh, ग्रेजुएशन कर रही है ऑप्सन गायनी uh, डेली में उस उ, उन्होंने भी एक रूम के डिमांड किया कि उनको स्ट्रेच करने के लिए एक रूम चाहिए तो फिफ्थ फ्लोर पर बिना दरवाज़े का बिना पंखे का रूम दे दिया एंड देन दे दिस कि लेबर रूम नीचे है पांचवी मंजिल से कैसे कोई भागता हुआ आएगा कोई और कोई पंखा भी नहीं तो अब आपने कहा रूम के साथ साथ अब आपको ये लग्जरी भी चाहिए कि पंखा भी चाहिए ए भी चाहिए तो ये तो आ, हालत है हमारे इंस्टीट्यूट्स की हमारे मेडिकल कॉलेज की या जहाँ पर कि एक डॉक्टर काम कर रही है और हमें पता है कि डॉक्टर प्रोफेशन गर्ल्स के लिए हम बहुत ज़्यादा चाहते हैं क्योंकि वो बहुत आ, एक सिंपैथेटिक उनका एटीट्यूड होता है टुवर्ड्स पेशेंट नॉट दैट बॉयज़ डू नॉट हैव है लाइक मेटर्नल थोड़ा इंस्टिंक्ट होता है और हमें लगता है कि वो सेफ़ प्रोफेशन भी है एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन भी है लड़कियों के लिए तो बहुत ख़राब लगता है कि अगर एक डॉक्टर का रेप कर सकता है एक हॉस्पिटल में एक कॉलेज में तो फिर कौन प्रोटेक्टेड है इस आ, hmm. इस इंडिया में और इस जगह पर और बल्कि मुझे आखिर समझ रहे हम जितना टैक्सेस पे क्यों करते हैं मतलब इफ़ यू गो टू द फॉरेन कंट्रीज वहाँ हम टैक्सेस पे करते हैं पर मेडिकल फैसिलिटीज इतनी अच्छी हैं hmm. कि टैक्स पे करना फिर बुराई नहीं लगता hmm. पर वी आर पेइंग सो मच टैक्सेस और उसके हिसाब से फैसिलिटीज नहीं है चाहे हम नेता लोग कितना ही बोल रहे हैं कि हमने इतने अच्छे हॉस्पिटल्स बनवा दिए हैं और जब खुद बीमार पड़ते हैं तो कभी उन हॉस्पिटल्स में नहीं जाते हैं आप कभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं आप जा ही नहीं सकते वहाँ की ओपीडी हमने की है एक एक दिन में हम पचास पाँच सौ पेशेंट देख रहे होते हैं पेशेंट अगर हमारे पास आके बैठा है तो वो अपनी बस दो लाइन की कंप्लेन बताए ज़्यादा ज़्यादा बताता है तो इतनी लंबी लाइन है वी डोंट हैव टाइम उसको देखा हिस्ट्री लिखी फैक्ट्री है उसके बाद उसका बी वेट चेक हुआ लेट जाओ एग्ज़ामिन किया हर जगह दो दो डॉक्टर खड़े हुए एग्जामिन किया फाइल में लिखा शी के नॉट टॉक बिकॉज वी डोंट हैव टाइम टू लिसन टू हर तो फिर वो फाइल में बनाया और उसके बाद फिर उसको शव कर दिया लेबर रूम में कि अब जाओ और लेबर रूम में फिर एक लेबर रूम में पचासों साठों पेशेंट एक एक बेड पे दो दो तीन तीन पेशेंट पे, है में दवाइयाँ नहीं हैं ग्लव्स नहीं हैं इंटर्न्स को ग्लव्स नहीं पहनने दिया जाता क्योंकि yeah. अगर वो ग्लव पहनेगा तो फिर हम सर्जरी के लिए कहाँ से ग्लव लेके आएंगे तो नर्स उस पर डांट देती है स्टराइल गाउन अगर इंटर्न सर्जरी देखना चाहता है ऑब्जर्वरशिप करना चाहता है तो स्टराइल गाउन नहीं पहन सकता क्योंकि इस नर्स वहाँ तो आपने बिल्कुल सही कहा कि टैक्स तो दे रहे हैं लेकिन अगर आज मुझे कोई तकलीफ़ है तो मैं किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहली बात जाऊंगी तो वहाँ पर इतनी लंबी लाइन में खड़े होना है और दूसरी बात कि वो फैसिलिटी भी नहीं है स्टर्लिटी मेंटेन uh, करना इंजेक्शंस होना दवाएं होना वो सारा कुछ भी नहीं है फिर ओटी की डेट मिलना ये भी बहुत मुश्किल है तो मैंने मैं हम ना कुछ रिसर्च करे टाइम कुछ रिगार्डिंग द रेप आई हैव जस्ट टेकन आउट सम स्टैटिस्टिक्स ये स्टैटिस्टिक्स 2018 के हैं विच सेज दैट इन एवरी 15 मिनट इन इंडिया देर इज़ वन रेप विच हैपन्स जिसमें कि 85 परसेंट uh, जो चार्जेस होते हैं uh, वो मतलब अगर हम बोलें 34,000 केसेस में से तो 84 परसेंट बाद में लेड ऑफ हो जाते हैं कि नहीं ये रेप नहीं है

मगर रेप केसेस एक चीज़ है uh, वो तो एक एक्सट्रीम पहुंच गया ना जब आपका रेप हो गया लेकिन अगर एक लड़की हरास uh, हो रही है एक लड़की मॉलेस्ट हो रही है और वो जाके शीज इन कॉलेज और इज़ इन इंस्टीट्यूट और किसी भी कॉपरेट जॉब uh, में है अगर वो जा कर बताती है जो कि हर जगह होना चाहिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट होना चाहिए जहाँ आप जाकर अपने होते ही होंगे ज़रूर कॉलेज में होते हैं और मेरे पास तो बच्चियाँ आती हैं जब तो सैड पार्ट ये है कि जब वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं और कहती हैं कि आई एम नो आई एम डिस्टर्ब दिस फेलो एंड बॉय इज़ ऑल्सो ऑफ द सेम एज वो भी उसी एज का है तो कहीं ना कहीं मेंटली ही इज ऑल्सो अफेक्टेड इधर फैमिली इश्यूज और सममोसफेयर इन द फैमिली इन्वायरमेंट और और वो आ, उस वो तंग हो रही है लड़की वो मलेस्ड हो रही है हेरास हो रही है टीज हो रही है वर्बली और अदरवाइज जब वो जाके क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को बताती है तो उसके शी शुड और ही शुड लिसन और उसको ये कहना कि अच्छा आप छुट्टी ले लें और आ, या फिर उस आ, लड़के का क्यों रोइन कर रही हैं आप लाइफ आप चुप रहें थोड़ा दोनों को ही सपोर्ट चाहिए अ पर्सन अ बॉय हु इज हैविंग दिस काइंड ऑफ बिहेवियर ऑल्सो नीड्स सम ट्रीटमेंट है ना उसे भी ट्रीटमेंट चाहिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए और इस लड़की को भी इंस्टेड ऑफ टेलिंग हर और नॉट सपोर्टिंग हर के छोड़ दो इस केस को रहने दो और ये बहुत जगह होता है और जैसे आपने कहा कि रिपोर्ट होते हैं मगर कन्विक्ड तो नहीं हो पाते होते लोग क्योंकि आपको यही बताया जाता है सोसाइटी में कि छोड़िए क्या बिना मतलब अगर आप जाएंगे तो आ, हमारे घर की भी बदनामी होगी आपकी भी शादी नहीं होगी नहीं। आ, ऐसा तो ये तो बहुत होता है ये तो लड़कियां आती हैं और फिर हमें लगता है कि कॉलेजेस ही अगर सेंसिटाइज नहीं है इस चीज़ को और कॉपोरेट ऑफिस ही सेंसिटाइज नहीं, नहीं, नहीं है इस चीज़ को तो कौन होगा कौन होगा मैम मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आई लिव इट ऑन यू आप उसका जवाब देना चाहें या नहीं चाहें बिकॉज इट्स एन ऑटोबायोग्राफिकल बुक इसलिए मैं पूछने की हिम्मत कर रहा हूँ आपने इसमें एक इंसिडेंट मैंशन किया है

अब्जॉर्ब इन द ग्रुप एंड आई वॉन्टेड दैट वैलिडेशन जो कि एक यंग बच्चे को चाहिए होता है आ, कि वो भी part of the team hai part है the group hai aur है yeah. और ये एक पार्ट ऑफ द ग्रुप था जिसमें मैं हमेशा चाहती थी कि इनक्लूड हो जाऊँ और फिर ये जब ऐसा हुआ और इनके ब्रदर आए और उन्होंने मुझे कहा कि हाँ ले चलते हैं और कुछ खरीदें आइसक्रीम खरीदने जाते हैं बट सी thing इज़ के आपने पहले कभी ये सोचा ही नहीं कभी एक्सपीरियंस नहीं किया कभी आपको लगा ही नहीं कि ऐसा भी कुछ हो सकता है नमनेस हो जाती है दिमाग एकदम बंद हो जाता है आप इतना डर जाते हो कि वॉट नेक्स्ट बिकॉज नो सी उस जमाने में गुड टच बैड टच कोई सिखाता नहीं था कुछ नहीं। था ही नहीं बड़ा इनोसेंट जमाना था हम लोग को बच्चों की तरह पाला जाता था आप हमारे घर के बाहर के ग्राउंड में जहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा था रेत पड़ी होती थी वहाँ पे बॉयज और गर्ल्स हम कबड्डी खेलते थे hmm. और हमने कभी लड़के को उस नजर से देखा ही नहीं ना उसने हमें इस नज़र से देखा होगा हम hmm. लोग टेंथ इलेवेंथ तक कबड्डी खेलते थे और नौ नौ बजे तक वहां पर रहते थे कंस्ट्रक्शन जहां चल रहा था नीबों में इधर उधर छुप रहे हैं कुछ कुछ भी ऐसा नहीं था हम लोग इतने इनोसेंट अच्छा फिर आप कॉलेज में आए तो वहां पर भी ऐसा नहीं लगा लेकिन ये तो फोर्टी प्लस का इंसान था ही वॉज इन मिड लाइफ क्राइसिसम फिफ्टी वन आई कैन अंडरस्टैंड दैट कि हाउ could ही डू दैट एंड आई कुड नॉट स्पीक अबाउट इट किस से बात करूँ वो लड़कियों ने तो मुझे include किया नहीं था अपने ग्रुप में माँ बाप से कह नहीं सकते थे आप क्योंकि आप इतने लोअर मिडिल क्लास से आए हैं कि आपका कॉलेज में एडमिशन हो गया गवर्नमेंट कॉलेज में वो एक बहुत बड़ी बात है आप कुछ बनकर निकल जाइए यहाँ से बिना और उनके पास वो क्या करते हमें इतना पता था इतनी अवेयरनेस थी एक लड़की को कि वो क्या ही कर सकते थे और मुझे वो अपनी बैटल खुद ही लड़नी थी तो एक लड़की के दिमाग में बस इतना आता है कि ये गलत हुआ hmm. और आगे से मुझे प्रोटेक्ट करना है अपने आप को आई एम नॉट सेफ एंड फ्रॉम नाउ ऑन आई शुड नॉट बी ट्रस्टिंग एनीबॉडी व्हाट इफ समथिंग वुड हैव हैपन्ड टू मी आई थिंक दैट्स दैट्स इट आई जस्ट डिडंट वांट टू इन्वॉल्व एनीबॉडी सो मैम जो जो मेन आपकी जो बुक डील करती है पूरा आई वॉन्ट अ बॉय आपने बहुत सारे इंसिडेंसेस लिखे हैं जहाँ लोग गर्ल चाइल्ड होने पर डिफरेंट वे जहाँ आपने एक इंसिडेंस मैंशन किया है जहाँ पे लेडी ने उस बेबी गर्ल को वॉशरूम में जाके शी फ्लैश आउट और आई थिंक सो ये सच में ऐसा होता है मतलब मतलब वेन आई वॉज रीडिंग दिस आई वॉज शॉक्ट मतलब ऐसा कैसे हो सकता है सो हाँ ये तो सच है देखिए जब मैं तभी मैं लिखी ये किताब जब जब मैं जब मैं विटनेस करा ये तो सबसे पहला जो इंसिडेंस जब मैं लेबर रूम में पहली बार गई और जैसे ही वो डिलीवर किया बच्चा तो हम लोग ऐसे पहले होल्ड कर लेते थे लेग से और उसको दिखाते थे और फिर उसको थोड़ा सा थप्पड़ मारा बच्चे को कि वो रो दे तो बैक पर आ, पैट किया और उसको दिखाया और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऐसे होते तो दोनों पैरों से पकड़ो बच्चे को उल्टा लटका दो माँ को दिखाओ क्या है देखो बताओ पैट किया बच्चा रोने लगा एंड देन यू जस्ट गिव इट टू टीशन और नर्स अभी लटका हुआ है बच्चा और ये हमें सिखाया गया था फर्स्ट ईयर में कि जब तक माँ बोलेगी नहीं कि क्या है तब तक काटना मत कॉर्ड तो हमने दिखाया उसको और बता ही रहे थे अभी तक तो ऐसा लगा नहीं कि नहीं बताएगी वो बता ही नहीं थी मैंने कहा क्या है तुम्हारा बच्चा बताओ लड़की है कि लड़का है शी लुक इट एंड देन शी जस्ट टर्नड हर फेस अवे मैंने कहा कि बताओ नहीं तो कॉर्ड कैसे काटेंगे और सिस्टर्स तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं हमारे साथ हम फर्स्ट ईयर रेजिडेंट्स होते हैं और वो बहुत टाइम से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होती हैं अगर आप कुछ भी गलत कर देंगे तो आ, हंगामा मच जाता है पूरे ऊपर से नीचे तक एच तक पहुँच जाती है बात तो हमने कहा कि भाई क्या किया जाए कॉर्ड नहीं कट रही है कॉर्ड से सारा ब्लड आ रहा है थोड़ी देर में प्लासेंटा भी आ जाएगा तो ये बता ही नहीं रही है कि ये इसका बच्चा क्या है इसको कैसे बत... जैसे कॉर्ड काटी अगर आपने बिना उसके बोले कि ये लड़का है या लड़की है तो वो फट से मना कर देती हैं कि ये हमारा बच्चा है अगर लड़की है तो कहती है हमने तो हमारा तो लड़का था हमने तो लड़की पैदा ही नहीं की तो हमें जबरदस्ती लड़की दे रहे हैं पता ये अपने खुद के बच्चे दिखा, को दिखाने से क्या फर्क पड़ता तो है रिकॉर्डेड तो है नहीं हाँ हा, रिकॉर्डेड नहीं है लेकिन आपने दिखाया उसने बोला कि लड़की है आपको तसल्ली हो गई कि आपने बोल दिया नर्स है वहां पर सबने लेकिन आजकल तो रिकॉर्ड हो सकता है आजकल तो हो सकता है मगर उस वक्त ये नहीं था पर उस वक्त ये था कि बोलो तो कि बोल तो दो कि तुमने लड़की बोली है लेकिन ये बड़ा मुझे लगा कि उसने नहीं बोला कि लड़की दिख रही है उसे तो हमें अटेंडेंट को बुलाना पड़ा उसने जब बोला कि अरे मरी ने फिर से लड़की जान दी उसके बाद हमने कॉट काटी उसको बाहर भेजा अटेंडेंट को कि भाई जाइए और हाँ, बहुत बार ऐसा हो चुका था हमारे जूनियर्स के साथ कि जब उन्होंने ऐसे काट दी कॉट तो उसने मना कर दिया कि ये मेरा बच्चा नहीं है एंड दे वुड लीव दैट चाइल्ड दे वुड लीव देर डॉटर कि उन्हें नहीं चाहिए है कि वो उन्होंने पैदा ही नहीं किया आपने लड़का चेंज कर दिया है किसी के साथ सीरियसली दिस दिस टाइप ऑफ केसेस क्या कहते हैं इंडिया में ज्यादा है कि अदर कंट्रीज में भी द से, सेम से वे आई थिंक uh, जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज है हमारी <coughs> वो तो माइंडसेट वही है एशियन माइंडसेट है इट्स एशियन माइंडसेट बट नॉट इन चाइना इट इज रदर ज चाइनीज लाइक एंसेस्टर्स से यहीं थे मगर हाँ दे आर इक्वली ऑर्थोडॉक्स आई डोट नो अबाउट दिस चाइना चाइना पार्ट ऑफ दट बट और अब आई माइट से कि क्योंकि वो यहाँ पर इतने टाइम से थे जैसे कि अगर साउथ इंडिया में मैं मानूँ कि केरला में ऐसा नहीं होता कि लड़की है लड़का है और लड़कियों की पॉपुलेशन ज़्यादा ही है बट वेन आई आई हैव अ पेशेंट लाइक आई हैड अ पेशेंट हु वॉज

और फिर वो बैलून्स लगाते हैं एंड इट्स अ रिचुअल सॉर्ट ऑफ थिंग वो करते हैं कि पिंक कलर आया तो गर्ल like, हाँ, है एंड दे सेलिब्रेटेड इंडिया में स्टिल लाइक इट्स अ रिचुअल की सेक्स डिटरमिनेशन इज नॉट अलाउड हर अल्ट्रासाउंड के बाहर लिखा होता है कि इट्स नॉट अलाउड टू डिटरमाइन द सेक्स मेंशन होता है उसके बाद भी ये होता है कैसे होता है मतलब हाउ इज पॉसिबल इतना स्ट्रिक्ट होने के बाद सी uh, आपको शायद ये ताजुब होगा जान के कि जब ये शुरू हुआ था अल्ट्रासाउंड तो हम ही लोग बताते थे मतलब हम ही लोग का मतलब कि इन सेवेंटीज़ वेन अल्ट्रासाउंड वॉज इंट्रोड्यूज और शुरू शुरू में तो गवर्नमेंट में बताया जाता था कि आपका बेटा okay. है क्योंकि सी हम लोग भी तो ब्रिटिश राज से ही निकले थे yeah. तो ये हमारे लिए नॉर्म था उस वक्त yeah. कि बता दीजिए लेकिन इसका मिस होने लगा जब बता दिया गया तो ये जैसे ही पता चलता लड़की तो फिर अबॉर्शन होने लगे फिर उसी के बाद ये पी एन डी टी एक्ट आया सेवेंटी वन में कि नहीं करना नहीं। है और ये अब जब आ, लोगों को आदत पड़ गई थी जान उनको पता था कि इससे पता चल जाएगा और अब हम करा पाएंगे तो अब ये एक आ, आदत हो गई एक पता ए, एक, एक एम्पावर हो गए थे कि अब उनको पता है कि ये क्या है फिर एक एक और बहुत बड़ी स्टोरी कि चलिए ठीक है पी एक्ट है बहुत सारे लोग बहुत सारे डॉक्टर्स नहीं कर रहे क्यों करेंगे कोई उनमें उनको कोई मजा नहीं है इसमें बट यू वुड मतलब यू एब्सोल्यूटली दट इज अमेजिंग एंड सरप्राइजिंग थिंग कि सिर्फ डॉक्टर्स थोड़ी ना कर रहे हैं छः छः महीने का कोर्स करके तो क्वैक्स भी अल्ट्रासाउंड मशीन लगा के बैठे हैं पी एन एक्ट के तहत आपको उसको वो है, करना है रजिस्टर करना है मगर छुप छुपा के तो सभी कुछ हो रहा है एक जहाँ जिस टाउन से मैं हूँ वहाँ पर एक डॉक्टर है तो दस क्वैक्स बैठे हैं जो कि कोई कभी नर्स था कभी कोई कंपाउंडर था उसने अपना अस्पताल खोल रखा है hmm. उसके पास कोई डिग्री तो है नहीं अगर वहाँ पर रेड पड़ी तो उसने क्या उसका क्या गया वहां पर रेड पर यूबोबला अस्पताल बंद करके दूसरी किसी जगह पे दूसरे किसी स्टेट के किसी और हॉस्पिटल में बना लेगा फिर दोबारा से हॉस्पिटल ऐसे मैंने इतने नर्स देखे क्या पकड़ा जाएगा तभी ना जेल होगी यहाँ जैसे ही पता चला कि आने और पैसा तो खिला के उसने एक अल्ट्रासाउंड मशीन ली उसका छः महीने का या पंद्रह दिन का कोई कोर्स किया और उसके बाद वो सबके गोल ब्लैडर बता रहे हैं और अल्ट्रासाउंड में बेटा बेटी बता रहे हैं और उतने में उन्होंने एक एक अल्ट्रासाउंड का पच्चीस पच्चीस पचास हज़ार रुपया लिया और उसके बाद फिर कमीशन साथ वाली एक और नर्स बैठी है जो न अपना नर्सिंग होम खोल के बैठी है उसको बताया कि भाई इसकी लड़की है तो अवार्ड करा दो उस उधर से कमीशन लिया अब उसमें उसने एम्पायर खड़ी कर ली उसने इतनी ज़मीन बना ली इतना कुछ कर लिया उसका सब है पैसा बहुत है अकाउंट में भी है उसने ये बोला नर्सिंग होम बंद किया आपने रेड मारी आपने आपको पैसे खिलाए दूसरी जगह जाके खोल लिया ये ये बहुत बहुत कॉमन था मतलब पहले तो सुनने में काफ़ी आता था कि

कि एक तो मैंने आपको ये बताया कि एक ने अल्ट्रासाउंड एक्चुअली मशीन रखी और कुछ दिख रहा है उसको थोड़ा बहुत पंद्रह दिन का जो भी कोर्स करके आया कुछ महीनों का कोर्स करके आया एक ऐसा है कि आपने एक वो स्क्रीन लगा दी है बड़ी सी एक प्रोब रख लिया है गांव वाले को नहीं पता स्क्रीन और प्रोब में कोई कनेक्शन नहीं है माय गॉड ओके अभी क्या है कि वो आपसे बेटा बेटी पूछने आया है आपने प्रोब लगाया स्क्रीन पे कुछ मूवी चल रही है उसको जो भी अल्ट्रासाउंड का जैसा दिखना चाहिए ब्लैक एंड वाइट दिखाई दे रहा है आपको पैसा कब मिलेगा जब आप बताओगे कि उसमें बे बेटी है क्योंकि उसके बाद आपको कमीशन मिलेगा बेटी को अबॉर्ड कराने के लिए तो अब आपने तो देखा ही नहीं है कि बेटा तो देखना आता ही नहीं है। आपने तो एक स्क्रीन लगा रखी है एक प्रोब लगा रखा है आपने उसमें से सत्तर लोगों को बेटी बता दिया कि भाई बेटी होगी तो ये अगले में नर्सिंग वो कर जाएंगे वहां से भी कमीशन मिल जाएगा हमें अभी आप गलत कराने जा रहे हैं आप ही के साथ गलत हो रहा है आप उसको पता ही नहीं है कि बेटा है कि बेटी है इसीलिए जो दूसरे नर्सिंग होम में जब अबॉर्शन होता है तो कई बार बेटा भी निकल के आ रहा है <laughs> ये इस हद तक का चल रहा है और इसीलिए तो बहुत मुश्किल है आप अगर मैं अपने टाउन में प्रैक्टिस करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकती मैंने अपना एक नर्सिंग होम खोला जिसमें मैंने स्टराइल ओटी बनाई स्टराइल सारा कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रखे स्टर्लिटी मेंटेन कर रही करी हूं हर डिलीवरी में हर अबॉर्शन में सारा सर्टिफिकेशन कराया है एम एक्ट के तहत सब कुछ कराया साथ में दस और हैं जो कि आप अगर दो हज़ार ले रहे हो अबॉर्शन के तो वो पाँच सौ में कर रहे हैं कोई स्टर्लिटी नहीं है और किससे कंपीट कर रहे हो क्योंकि जो आ रहा है आपको पेशेंट देने या जो भी विलेजर आप एक तो उसको पाँच सौ रुपये में दूसरी जगह हो रहा है वो आपके पास क्यों कराएगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ता गांव वाले को कि आप स्टेबलिटी मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं और दूसरी बात कि जो ला रहा है उस पेशेंट को जो उसका हितैषी है जो कि बीच में मिडल मैन है या जो वर्कर है वो उसको कमीशन भी मिल रहा है आपको भी कमीशन देना पड़ेगा ना उसे वो दे रही है पाँच सौ भी ले रही है और उसको दो सौ उसमें से भी दे रही है

कि कहाँ मैं टावर्स लगा सकता हूँ तो मुझे याद है मैं यूपी में गोरखपुर के आसपास कहीं मैं एक विलेज में एक टावर प्रपोज करके आया कि यहाँ टावर लगेगा देन नेक्स्ट डे मेरे पास फ़ोन आया वहाँ से कि सर यहाँ पे तो ना बहुत मारकाट हो गई लड़ाई झगड़ा हो गया अच्छा मैं क्या हुआ तो दिक्कत नहीं आपने जिसके जमीन पे टावर लगवाने बोला है वो दूसरे भाई ने उस वाले भाई को मारपीटी कर दी है वो तो लगने नहीं देगा वहाँ बहुत मतलब ये मतलब खून खराब होने वाला है तो मैं थोड़ा और डिटेल जाना तो मुझे पता चला कि जिसके यहाँ मैंने प्रपोज की थी वो ही इज एन अलोन मैन अंधा है अच्छा। और उसका जो दूसरा भाई है family, उसके बेटे बेटे भी हैं वो नहीं चाहता कि लगे वो उसको उसको हाँ। मार दूंगा तो मेरा लगे फिर सर आप आओ आप कुछ सोल्व करो इसको तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बहुत डरा हुआ तो मैं क्या करे फिर मैं रात भर सोचता रहा मैंने क्या किया फिर मैं वहां गया और मैंने वही किया जो आपने बताया चीज मैंने गूगल मैप्स खोला लैपटॉप है तो गांव के लोगों ने लैपटॉप पहली बार देखा था आज से पच्चीस साल पहले <laughs> तो बिल्कुल नहीं देखा था <laughs> तो मैंने उनको गूगल मैप्स खोल के दिखाया मैंने कहा देखो ये जो मैंने टॉवर लगाया ना मैंने कोई कोई भी <laughs> अनशन को मैप खोल दिया <laughs> मैंने कहा देखो यहाँ मैंने टॉवर लगाया इस जमीन पर देखो सूखा है सब कुछ टॉवर की जब <laughs> नीप खो दी जाएगी तो पानी नहीं आएगा मैं कह देखो यहाँ से दस मीटर दूर जो आपका खेत है इसमें नीचे नदी है पानी है पूरा ऐसे खोदेंगे पानी निकल आएगा कहा पानी हमारा निजी था पानी है, तो, पानी है आप तो कुआं खोदो यहाँ आपकी फसलों को पानी, पानी मिलेगा इस तरीके से उनका ना मैटर सॉल्व किया मैंने ओह सी so, वो अच्छे के लिए किया था पर तो यहां तो वी हैव दिस काइंड ऑफ माइंड अपनी डॉक्टर होती थी जो कि कहती थी कि ऐसा क्यों है आप क्यों नहीं लड़की चाहते लड़की को पढ़ाईए हम भी तो लड़कियां हैं हम भी तो तीन बहनें पढ़े लिखे हैं तो पढ़ाना चाहिए लड़की को और ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मुझे लड़की नहीं चाहिए बट ओवर द ईयर्स विद एक्सपीरियंस विद एज मुझे समझ में आने लगा कि मैं क्या किस को पढ़ा रही हूँ वो बेचारी सफ़र कर रही हैं अपने घर में उनको गालियाँ मिल रही हैं उनको खाना नहीं मिल रहा उनकी बेटियों को एजुकेशन नहीं मिल रही उनकी बेटियों को भी गालियाँ पड़ रही हैं वो क्या मैं खुद नहीं खड़ी हो पा रही आप एक गरीब औरत से एक अनएजुकेटेड जो कि अपने लिए पैसा भी नहीं कमा रही मैं उनसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि वो खड़ी हो अपने लिए तो वो सह सह कर सुन सुनकर मेरे ख्याल से वो फिर प्रीचिंग वाली डॉक्टर ना मर गई फिर वो सिर्फ एक सिंपैथी थी कि ओके हम बहने हैं आप भी गुजर रही हैं इस बात से और मैं भी गुजर रही हूँ गवर्नमेंट की तरफ से कोई पहली बात इन चीजों के लिए कौन जाता है आप बताइए गवर्नमेंट पहले तो कोई बोलता नहीं है फिर uh, हर एक जगह uh, में जब ये बुक लिख भी रही थी और अदरवाइज भी हर रोज़ तो मैं मिल रही हूँ एवरी डे एवरी वेयर हर जगह जिससे भी पूछो हाँ बेटा तो चाहिए वो तो ज़रूरी है ये कोई भी को, मतलब एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो कि ऐसा जिस जो जिससे मैं मिली हूँ जिसने ऐसा ना बोला हो तो ये तो बहुत ही हमारी सोशल फैब्रिक में है आ, तो उसको भी गलत नहीं लगता लड़की को उसको भी लगता है कि शायद ये मेरी ड्यूटी ही है मेरी ख़ुद की दोस्त तीन लड़कियाँ पैदा करके बहुत मिल बहुत ज़मीने मगर उसके हस्बैंड जो कि एल्डेस्ट हैं उनको प्रॉपर्टी से दखल अंदाज कर दिया गया क्योंकि उनकी तीन बेटियां थीं और दो भाइयों के बेटे थे अब बताइए इतनी प्रॉपर्टी होने के बाद भी दोनों बेटियों को तीन, तीनों बेटियों को कुछ नहीं मिला उस भा, भाई मतलब बेटे को भी अलग कर दिया गया तो इनकी वाइफ को जो मेरी दोस्त थी उनको बहुत गिल्टी हुआ कि मेरे पति को उनकी प्रॉपर्टी से दखल अंदाज कर दिया गया है उन्होंने शी डिड एवरी मेजर शी गॉट अबॉटेड रिपीटेडली टिल शी गॉट अ सन एंड देन विथ सन शी वेंट एंड शी सेड कि अब मेरे पति की प्रॉपर्टी उसको वापस की जाए तो अब वो फीमेल उसको गलत क्यों लगेगा उस वो अपने पति को प्यार करती है उसको लग रहा है कि नहीं उसके लिए मुझे करना ही है उसको होना ही, ही चाहिए तो गवर्नमेंट कहाँ खड़ी होगी आपने तो ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट है ना अगर आप गवर्नमेंट ने अगर प्रॉपर्टी लॉ बनाया है कि लड़कियों को मिलेगा ही मिलेगा मगर अगर पहले से ही विल से ही स्ट्राइक ऑफ कर देंगे तो फिर कैसे मिलेगा हम लोगों के पास भी तो बहुत लूप होल है उसको करने के वैसे मैं आपको बात बताऊँ आई एम दंगेस्ट सन ऑफ माई फैमिली मेरी तीन सिस्टर हैं और जो मेरी सबसे एल्डेस्ट हैं शी इज टेन ईयर्स एल्डर देन मी Then nine years, then seven years. So, आप समझ सकते हो मतलब आई एम नॉट श्योर कि मेरी मदर के बाद क्या प्रेशर रहा होगा बट यस दिस इज द ट्रूथ एंड इसलिए शायद मैं इस बुक को पढ़ते टाइम बहुत इंजॉय भी कर रहा था बट आई है बॉय दे है और पर मैं एक चीज देखता हूँ कि चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो मे बी शायद मुझे ऐसा लगता है कि शायद गर्ल्स अपने पेरेंट्स को ज़्यादा प्यार करती हैं रेदर देन अ बॉय क्योंकि बॉयज एक अपनी लाइफ में अपनी फैमिली में सेटल हो जाते हैं बहुत जल्दी टेकिंग अप मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन डिफरेंट एंगल वेर गर्ल्स मे बी टेकिंग अप रिस्पॉन्सिबिलिटीज बट देर ऑलवेज अटैच टू देर पेरेंट्स आर लॉट ये मैं अब इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैं अपनी बेटी को देखता हूँ mm -hmm. मतलब अभी भी जब मैं चाहे पॉडकास्ट शूट पर आ रहा हूँ चाहे ऑफिस जा रहा हूँ शी स्टिल नॉट फोर बट वो मेरे निकालने से पहले मुझे मेरा पर्स मेरा टिफिन मेरी बॉटल शी विल डेफिनेटली गिव आज भी जब मैं आ रहा था तो शी वॉज ईटिंग हर लंच टाइम तो मैंने सब कुछ पैक करके वॉज अबाउट टू ली शी और मेरी वाइफ की और उसको दरवाजे तक लेके आया कि मतलब पापा जा रहे हैं बाई कर दोन स्टार्ट क्राइम इतना रोई कि नहीं मुझे सामान देना है देन आई लिटरली पुल्ड एवरीथिंग आउट मैंने पर्स वापस निकाला

सोसाइटल uh, uh, उससे आ रहा है क्योंकि uh, एक औरत uh, अपने uh, जिसकी तीन बेटियां हैं चार बेटियां हैं वो uh, बैठी हैं किसी गैदरिंग में मोहल्ले की तो uh, या फिर और कोई लोग उसके बारे में बात करें तो एक बेचारी को तीन हो गई बेचारी को चार हो गई ऐसा या उसने जब चौथी बेटी पैदा की तो उसके घर भी नहीं जा रहा कोई ये सोच के कि अरे उसकी ना फिर से हो गई एक चौथी बेटी हो गई तो या फिर उसको बेचारगी से हर बार देखा जा रहा है कि आ, क्या होगा उसका आ, उसकी तो इतनी बेटियां हो गई हैं तो ये सारी चीज़ें मोहल्ले में औरतें कर रही हैं प्रेशर होता होगा पेट्रियॉर्कल प्रेशर तो होता ही है मगर एक औरत ही बोल रही है कि भाई तुम्हें अब तीन चार बेटियां हो गई आप तो बिल्कुल यू आर नॉट वर्दी ऑफ एनी गुड फूड एनी गुड क्लोथ्स है ना कुछ नहीं आपकी बेटियां भी इतनी महंगी महंगी uh, हो गई हैं इतने बड़े स्कूलों में कहाँ से डालें कैसे फीसें दें अब इनके दहेज भी देने हैं ये सब कुछ तो, पे, सौरी, सौरी आ, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फैक्टर है ना शादी जो इंडियन कल्चर में जो बिग फैट वेडिंग और ये दहेजवा चक है दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर ऑफ ये जो फीमेल फैटिसाइड्स जो प्रॉब्लम है जैसे जैसे कि आई थिंक कि जो मॉडर्न इन्वामेंट आ रहा है जहाँ पे कि आज पीपल आर मूविंग टूवर्ड्स स्मॉल वेडिंग कोर्ट मैरिज लिविंग कल्चर्स आई थिंक इसके बाद शायद ये कल्चर धीरे धीरे ख़त्म हो बट विल टेक लॉन्गर टाइम बहुत ही मिनिस्कुल परसेंटेज है वो अभी yeah. है ना ओनली द मेट्रोस हाँ अदरवाइज ऐसा नहीं है जो लिव इन में रहते हैं आप हमसे पूछिए लिव इन में रहते हैं आठ साल लिव इन में रह लिए उसके बाद हो गया बोरियत आ गई अब जब शादी करनी है तो कई लोग अरेंज मैरिज की तरफ जाते हैं अब जब अरेंज मैरिज करनी है तो आपने लड़के लड़के ने कह दिया कि भाई ढूंढ लीजिए कोई भी अरेंज मैरिज करनी है तो तो जब अरेंज मैरिज करने के लिए ढूंढा जाता है तो यही पूछा जाता है बहुत सारी सोसाइटीज़ में है कि आप कितने करोड़ लगाने वाले हैं शादी में तो लड़का या जो लिविन में है उनकी शादी भी हो जाए ऐसा नहीं और जब वो अरेंज मैरिज लिए जाते हैं तो उनकी कोई से नहीं होती दे है लिटल और नो इंटरेस्ट एट ऑल भैया लड़की ले आइए जैसे करानी है करा दीजिए क्योंकि अटैचमेंट तो है नहीं इमोशनल भी नहीं है कुछ भी नहीं है तो वहाँ पर अगर घर वाले लड़की वालों से बात करते हैं तो हमेशा ही वो एक तो हायर वो रहता ही है लड़के लड़के वालों का और फिर वो यही ऐसी ही बात की जाती है कि आप कि कितने करोड़ लगाने वाले हैं और ये बहुत बहुत सारे हर सोसाइटी में है ये मतलब ये एक फैक्टर बिल्कुल हो सकता है सिक्योरिटी एक फैक्टर हो सकता है ये एक फैक्टर हो सकता है जब नहीं चाहते सिंपल पेट्रियॉर्कल थॉट कि भाई अब हम हम, हम हमारी जो भी है लिनिएज या आ, कौन बढ़ाएगा हमारे जेनेटिक लिनिएज कौन बढ़ाएगा हमारी फ्यूनरल को आग कौन देगा लास्ट रिचुअल्स कौन करेगा या हमारे इतने बड़े बिजनेस को बेटा ही संभालेगा बेटी तो दामाद को दे देगी या अपने घर चली जाएगी तो ये बहुत सारी चीज़ें जो कि अननेसेसरी के फैक्टर्स हैं मतलब क्यों उस ज़माने में हुआ करता होगा कि लड़कियां नहीं लगाती होंगी आग अब क्या है क्यों नहीं लगाना है हम क्यों नहीं लास्ट रिचुअल कर सकते हैं अपने फादर के या फिर हम अपने बाप फादर के बिजनेस को क्यों नहीं और स्केल्स हाई स्केल्स पर ले जा सकते एज अ गर्ल भाई इतनी बड़ी बड़ी लड़कियां हैं इंदिरा नूई और ये सब कुछ इतना कर रही हैं बिजनेस कितने बिजनेस ब्रेन हैं तो वो हम क्यों नहीं कर सकते वही सोच सोच बदलने वाली बात है अपॉर्चुनिटी हाँ. uh, क्योंकि हुँ. आप यहाँ पे हो तो व्यूअर्स बहुत सारे क्वेश्चन हैं मेरे पास जो फ़ीमेल रिलेटेड हैं और इसको मैं ज़रा अपॉर्चुनिटी लेंगे क्योंकि आज मैम हम हमारे साथ हैं तो बुक की बात हमने बहुत कर ली हम मैम कुछ ऐसी बात करेंगे जो मेरे फीमेल व्यूअर्स को जानना चाहिए इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए कॉमन चीज़ें हैं बट जनरली लोगों को नहीं पता होती और जगह मैं जेंजी की बात करूँ तो जब तक कि वो शादी नहीं होती है तब तक कि वो चीज़ें पता भी नहीं पड़ती हैं तो आई जस्ट टेक दैट लिबर्टी टू यू फ्यू एक बहुत नहीं ठीक है पीसीओडी या पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और लाइफस्टाइल आजकल हम लोगों का खराब हो रहा है हमें ये मानना है क्योंकि पहली बात स्क्रीन का बहुत ज़्यादा इसमें रोल है जितना ज़्यादा आप स्क्रीन पर रहते हैं उतना ज़्यादा आपका फ्लैशी लाइट आपके ब्रेन पर जाता है मेलेटोनिन करके एक हार्मोन होता है वो कम हो जाता है फिर आप बैठे रहते हैं तो बैठे रहने से आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है खाना मेटाबोलाइज नहीं हो रहा है प्रॉपरली बहुत ज़्यादा लोग जेट लैग ये ट्रैवल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं नाइट ड्यूटीज़ में हैं बिल्कुल ही सर्केडियन रिदम गड़बड़ है खाना हमारा ऐसा है जो कि इंस्टेंट फूड है जिसमें हमें लगता है कि अगर हम पोहा वर्मसली ऐसी चीज़ें खाते हैं वो हेल्दी हैं जबकि नहीं वो तो बहुत अनहेल्दी है दलिया ठीक है आप ब्रेड पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं आप बेकरी पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं तो खाना अनहेल्दी हो गया स्मोकिंग एल्कोहल बहुत ज़्यादा हो गया लेट नाइट स्लीपिंग लेट आ, अर्ली मॉर्निंग ले, उठना तो लाइफ स्टाइल बहुत गड़बड़ हो गया और इस गड़बड़ लाइफ स्टाइल की वजह से इस रॉन्ग लाइफ स्टाइल की वजह से हमारा ब्रेन और ओवेरियन एक्सेस अफेक्ट हो रहा है और वो क्योंकि मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा तो ओवरीज के चारों तरफ एक फैट लेयर हो गई और हम हमारे एग्स बाहर नहीं हो निकल पा रहे जो ओविलेशन हर महीने होता है एक एग बाहर आता है फिर हमें पीरियड्स होते हैं वो नहीं हो पा रहा तो पीरियड कई बार डिले हो जा रहे हैं कई बार महीने में दो बार आ जा रहे हैं रेगुलैरिटी तो इेगुलरिटी ऑफ पीरियड्स हो गया आप मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं है इंसुलिन लेवल इतना बढ़ गया आपकी बॉडी में कि आपको एक तो ओबिसिटी हो गई एक पिगमेंटेशन हो गया नेप ऑफ नेक पर पिगमेंटेशन है एग्जिला में डार्क पिगमेंटेशन है चिन अब एग जब निकलता है तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टोरॉन में ब्रेक होता है जो कि फेमिनिन हार्मोन होते हैं अब एग रिलीज नहीं हो रहा तो टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत हाई हो गया फिर आपको चिन हेयर हो गए एक्ने हो गए और फिर दोबारा से बिकॉज टेस्टोस्टेरोन वुड नॉट लेट यू अगेन ओवी तो फिर इनफर्टिलिटी भी हो गई तो शुरू कहाँ से हुआ था ये सारा लाइफ से ही हुआ था अगर आपने अपने लाइफ को करेक्ट कर दिया तो पी करेक्ट हो गया इट इज़ नॉट अ डिजीज मैम पी सी ओ मतलब मतलब किस एज से स्टार्ट होती है मतलब इसकी भी कोई होगी मतलब कि पांच साल की लड़कियों से स्टार्ट होती है टेन से फिफ्टीन से एटीन से जब वो पीरियड स्टार्ट होते हैं तब से स्टार्ट होती है तो जब पीरियड शुरू होते हैं तो जैसे किसी लड़की को मान लीजिए दस या बारह साल की उम्र में पीरियड आजकल वैसे जल्दी भी हो जाते हैं तो अगर शुरू हुए तो पहले चार पाँच साल तो ब्रेन और ओवरी की एक्सेस को डेवलप होने में लग जाते हैं उस वक्त पीरियड रेगुलर होते हैं उस वक्त लड़की को तीन महीने बाद आएंगे पीरियड छः महीने बाद आएंगे या फिर जल्दी जल्दी भी आ सकते हैं लेकिन तब उसको पीसीओडी नहीं कह सकते क्योंकि तब तक तो डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है जब उसका डेवलपमेंट प्रॉपर हो जाएगा जैसे किसी को अगर दस साल पर पीरियड शुरू हुए तो चौदह पंद्रह साल के पर अगर उसके उसके बावजूद भी पीरियड अब रेगुलर नहीं आ रहे आफ्टर दैट एज तब वो पी के ब्रैकेट में आ गई क्यों कि 10 साल से लेकर 14 साल तक की लड़की को अगर आपने एक्सरसाइज नहीं कराई अगर आपने जंक फूड दिया अगर उसका बी बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा है तो अभी तक तो इरेग्युलरिटी थी कि डेवलपमेंट नहीं हुआ अब जैसे उसके बाद हुआ तो अब उसको बी की वजह से ओवरवेट की वजह से तो एज ए प्रिकॉशन अगर जो फीमेल चाइल्ड्स हैं मतलब बचपन से ही अगर आपकी लाइफ सही है

Uh, घर के काम आज भी कर रही हैं जो विलेज की लड़कियां हैं जो बहुत फिजिकली एक्टिव हैं उनमें नहीं है पीसीओडी पीसीओडी इज अ डिजीज ऑफ मोस्टली अर्बन सोसाइटी जहां की आप गलत खा रहे हैं गलत टाइम पर सो रहे हैं ज्यादा स्क्रीन कर रहे हैं और बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं ओके okay. मैम well, इसी से एक और चीज रिलेटेड है जो आजकल बहुत कॉमन है था मतलब अब तो मेल्स में भी होता है मतलब मैं तो फीमेल से पहले अब मेल्स को भी सुनने में आता है पर ये बहुत ज़्यादा है। How that can be prevented और उसके क्या कॉज है देखो थायरॉयड बहुत वजह से हो सकता है अगेन थायरॉयड का भी रीज़न आपका अनहेल्दी लाइफ है अगर आपका लिपिड प्रोफाइल बढ़ा हुआ है अगर आप ठीक से नहीं सो रहे अगर आप बहुत ट्रैवल कर रहे हैं बहुत जेट लैग में है और कई बार आपके खान पान में भी ऐसा होता है जैसे कि आ, कई लोग आ, मतलब ये एक बहुत छोटा रीज़न भी हो सकता है मगर आयोडीन वाला सॉल्ट नहीं खाते कई लोग सोचते हैं कि हम सीधा नमक खा लें हम ऐसा नमक खा लें तो आयोडीन तो बहुत ज़रूरी है नहीं तो गोइटर हो जाएगा तभी तो आयोडीन डाला गया था नमक में तो ये एक चीज़ है कि आपने पर्पजफुली अपना वो चेंज कर दिया नमक तो आपको फिर गोइटर या थारॉयड की प्रॉब्लम हो गई अदरवाइज थायरॉयड ऑल्सो वन इज़ लाइफ अनदर इज़ ऑटो इम्यून तो ऑटो इम्यून में क्या होता है आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन गई अगेंस्ट थाइरॉइड प्लैंड और वो ऑटो uh, uh, जो इम्यून डिजीजेज हैं वो भी आपकी लो इम्यूनिटी इज बिकॉज ऑफ योर मेंटल स्ट्रेस आप इतना स्ट्रेस हैं ऑफिसिज में आप बारह बारह घंटे अट्ठारह अट्ठारह घंटे अपने ऑफिस को दे रहे हैं तो ऑटो इम्यून डिजीजेज आर ऑन राइज बिकॉज लो इम्यूनिटी एंड एक बहुत कॉमन लाइफ स्टाइल चेंज आज कल फीमेल्स में देखने मिलता है जो तो शायद आज से दस पंद्रह साल पहले इतना नहीं दिखता था स्मोकिंग mm -hmm. शायद मेट्रो में ज्यादा है हम यहाँ रहते हैं शायद ज़्यादा दिखता है ऑफिस mm इन्वायरमेंट -hmm. uh, uh, so में भी देखता हूँ मैं या अदर उदर भी आपको दिख जाते हैं

हार्ट अटैक ज़्यादा होते थे ठीक है हाइपर टेंशन ज़्यादा होता था यंग एज में भी हो रहा है थर्टी फाइव की एज में लड़कियों को एस्ट्रोजन हार्मोन्स प्रोटेक्ट करके रखता है कार्डियक डिजीज से लड़कों को तो नहीं करता है अगर वो स्मोक करेंगे तो उनका और भी मैनी फोल्ड इंक्रीज हो जाता है कार्डियक डिजीज़ और कार्डिक uh, डिजीज़ की वजह से क्लॉटिंग हुई और ब्रेन हेमरेज हो गया और वो सब कुछ लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ रहा है तो फर्टिलिटी स्पर्म काउंट उनका भी बहुत कम हो जाता है लड़कों में तो ये तकलीफ लड़के अगर ये सोचते थे कि हाँ अगर हम स्मोकिंग करते हैं तो कुछ नहीं होता तो वो भी गलत है और लड़कियों का स्मोकिंग इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्टिलिटी एग काउंट कम हो जाता है ओबिसिटी होती है पीसीओडी होता है तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि पीसीओडी का ब्रेस्ट कैंसर का सर्वाइकल कैंसर का सभी का जो एक जड़ है वो आजकल स्मोकिंग जो ऑन द राइस है hmm. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर ही था क्या ब्रेस्ट कैंसर इज ओनली हेरिडिटरी या इसके व्हाट आर द रीजंस फॉर हैविंग अ ब्रेस्ट है क्योंकि बहुत कॉमन हो गया है आजकल मतलब इवन सेलिब्रिटीज का भी रिसेंटली एक सेलिब्रिटी का मैंने देखा वीडियो शी इज हैविंग दैट तो वो जो इतनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं जिम एक्सरसाइज हाई डाइट हाई प्रोटीन डाइट डाइटिंग सेलिब्रिटीजोटिंग वॉट आर द मेन रीजंस फॉर इट मतलब क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं देखिए पहला रीज़न तो जैसे आपने कहा स्मोकिंग और अनहेल्दी लाइफ है ही आ, उसके अलावा आ, कुछ फैक्टर जेनेटिक है अगर आपकी नानी आपकी मम्मी और मासी इन सबको है तो आपको अगर आपके अंदर ब्रेका जीन पॉजिटिव है तो यू, यू आर मोर प्रोन टू गेट ब्रेस्ट कैंसर दूसरी चीज़ है कि पहले ज़माने में कहाता था, था तो, और हम भी ये कहते थे कि जितना ज़्यादा आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं उतना प्रोटेक्शन मिलता है ओके okay? तो आ, अगर हमारी लाइफ में आ, ये हार्मोनल डिपेंडेंट कैंसर जैसे एस्ट्रोजन डिपेंडेंट कैंसर है तो अगर मेरी लाइफ में बीच में दो बार डिलीवरी हो गई मेरी हुँ. तो आ, मैं प्रोजेस्ट्रॉन डिलीवरी इज अ प्रोजिस्ट्रोजेनिक फेज तो उतना टाइम मैं प्रोटेक्टेड रही नौ महीने वेट में बच्चा था फिर उसके बाद एक डेढ़ साल मैंने बच्चे को दूध पिलाया तो वो जो हॉर्मोन्स हैं वो प्रोटेक्टिव हैं फॉर सर्वाइकल कैंसर एज वेल एज फॉर ब्रेस्ट कैंसर और फिर आप बच्चे को अगर छः महीना एक साल दूध पिलाते हैं तो ब्रेस्ट फीडिंग भी प्रोटेक्टिव है मगर आजकल कहीं वो हम नहीं कर पा रहे हैं जल्दी ऑफिस ज्वाइनिंग करने की वजह से तीन महीने में ही बंद कर देते हैं या कई लोग प्रेगनेंसी भी नहीं कर पा रहे हैं दे डोंट वॉन्ट टू हैव चिल्ड्रन वो भी एक रीज़न और लेट प्रेगनेंसी जैसे पहले ट्वेंटीज़ में हो जाती थी hmm. अभी वही चीज अगर हम पैंतीस या चालीस में करते हैं तो वो पूरा का पूरा जब से आपको पीरियड शुरू हुए और अगर आपने सैंतीस साल में बच्चा किया तब तक आपका एस्ट्रोजेनिक फेज चलता रहा देर इज़ नो पॉज इन बिटवीन सो देर वॉज नो प्रोटेक्शन इन बिटवीन तो जितना लंबा फेज़ आपका वो चला जिसमें कि आपने बिल्कुल भी पॉज नहीं लिया बिल्कुल भी अपनी बॉडी को प्रजिस्ट्रॉन ओनली वाले hmm. फेज़ में नहीं रखा तो फिर आपके चांसेस बढ़ जाते हैं तो लेट प्रेगनेंसीज नो प्रेगनेंसीज नो ब्रेस्ट फीडिंग स्मोकिंग एंड डेफिनेटली सम ये तो आजकल बहुत कॉमन हो गया लेट शादी करना है, लेट बेबीज करना आई हैव सीन मेनी मेनी पीपल मतलब पहले mm. जब व्हेन आई वाज गेटिंग अ बेबी गर्ल आई वाज वाज एट दैट टाइम आई आई 38 और 39 तो mm. so, मतलब वाज फीलिंग यार हम ना बहुत लेट कर रहे हैं बहुत लेट हो गए बट देन आई रियलाइज की ऐसे बहुत सारे लोग हैं मतलब व्हेन आई नाउ आई व्हेन आई गो विद माय डॉटर टू हर स्कूल एंड ऑल

पूरा पढ़िए आप हम नहीं कह रहे हमारी बाईस साल में हो गई इट डज़ नॉट मीन दैट एवरीबडी लाइक आजकल की जनरेशन पढ़े स्टेबल हो जाए जो वो चाहते हो करो और बच्चा एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको भी पता है ऐसा नहीं कि आप बस बच्चा करने के लिए नहीं कर लेते मगर क्योंकि हम नहीं कर पा रहे हैं फॉर वट रीज़न तो हमें अपना एक जो ईयरली चेकअप है वो कराना चाहिए जैसे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन इज एब्सोलूटली इंपॉर्टेंट फिफ्थ और सिक्सथ डे ऑफ पीरियड विथ फ्लैट ऑफ हैंड एवरी लेडी शुड डू ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन एंड मतलब जैसे मैं अपने पेशेंट्स को पोस्ट डिलीवरी जब विजिट करते हैं वो तो उनको सिखाती हूँ कि देखिए ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन ऐसे होता है ये हर बार आपको हर महीने करना है और हर साल आप मेरे पास आएंगी तो मैं देखूँगी और उसके बाद मुझे अल्ट्रासाउंड की जरूरत पड़ी तो अल्ट्रासाउंड करूँगी चालीस से ज़्यादा है तो मेमोग्राम होगा सेम वे वी हैव हाँ टू टीच ईच एंड एवरी लेडी दैट पैप्समर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइकल कैंसर एवरी ईयर यू हैव टू गेट इट डन यू हैव टू गिव एच पी वी वायरस वैक्सीन टू योर गर्ल्स एज वेल एज बॉयज़ टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम ह्यूमन पेपलोमा वायरस विच कैन बी अ पॉजिटिव फैक्टर फॉर सर्वाइकल कैंसर इन गर्ल्स एंड पिनाल एनोरल कैंसर इन बॉयज़ लेस देन फिफ्टीन ईयर्स ऑफ एज इज बेस्ट तो ये सारी चीज़ें जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का पार्ट है ये अगर आपके पास कोई प्रेगनेंसी में आया तो पोस्ट डिलीवरी सिखा दीजिए उनको और अदरवाइज किसी भी वजह से कोई भी लड़की आपके पास है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए आई है पेल्विक इन्फेक्शन की वजह से आई है किसी भी वजह से आई है आप उसको बैठ के पहले ये चार बातें सिखाइए कि आपको पता है क्या ये या आपको एच पी वैक्सीन हो गया है कि नहीं क्योंकि जब तक सिखाएंगे नहीं उन्हें ये कैसे पता चलेगा कि ये पता होना चाहिए मैम एक इनिशिएटिव लेना चाहिए जितनी ब्यूटी पार्लर्स वाली पार्लर वाले पार्लर उनको ये इन्फॉर्मेशन सिखा देनी चाहिए जो भी आपके यहाँ पे आए ना आईब्रो बनवाज टू बीटेट क्योंकि आप जैसे मीडिया इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग टूल अगर हम वहाँ पर एक छोटी सी चीज इतनी जल्दी आग की तरह फैलती है तो हम इस चीज को क्यों नहीं फैला पा रहे है मैं बताता हूँ मैम मीडिया जो मैंने समझा है अगर मैं रील्स या शॉर्ट्स की बात करूँ जो आजकल लोग बहुत देखते हैं आप जो चीज़ देख लोगे ना आपको उसी से रिलेटेड कंटेंट दिखता रहता है फॉर एग्जाम्पल आपने किसी बाबा जी का दो सेकेंड का दस दो मिनट का आपने कुछ वीडियो नहीं। नहीं। देख लिया आपको अब कॉन्स्टेंटली ना अलग अलग बाबाओं के आश्रमों के वो वीडियोज़ ही दिखाते रहेंगे सो अनलेस फीमेल्स गो एंड सर्च एंड वॉच दी वीडियोज अबाउट ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइकल कैंसर एक बार दो बार उनको देखना है ये तो एक चीज हो गई अभी जैसे जब इलेक्शन होता है या आप एक पॉलिटिकल पार्टी है जो अपना एक ये दिखाना चाहती है पोर्ट्रे करना चाहती है कि वो बहुत अच्छा काम कर रही है और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी बहुत फुद्दू है वो कैसे करती है हर एक व्हाट्सएप पर आता है हर एक जगह पर हमें वो दिखाई दे रहा होता है हम तो नहीं सर्च कर रहे उसको वो कैसे दिखाई दे रहा है हमें लोग भेज रहे हैं ना तो वो ही लोग जब ऐसा कंटेंट भेज सकते हैं जो कि हमारे फ्लैश हो रहा है जो व्हाट्सएप खोलो जहाँ खोलो जिस ग्रुप में खोलो ये आ रहा है कि एक फलाना पार्टी जो है ये बहुत काम कर रही है दूसरी फलाना पार्टी बिल्कुल बेकार है ये हमें फीड किया जाता है और हम लोग स, रोज देखते हैं और हमें इम्प्रेशन पड़ जाता है कि वो गल, गलत है ये सही है ऐसा है पूरी उनकी दुनिया भर की लीनियज पूरी पुरानी हिस्ट्री को बताया जाता है कि वो गलत है और ये तो ये क्यों नहीं किया जाता ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट को पता नहीं है रोज रोज कहें कि हमें इस सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट वैक्सीन लगानी है रोज रोज, रोज बताएं कि ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है रोज रोज बताएं कि कॉन्ट्रासेप्शन इज इम्पोर्टेंट उतना भी छोड़ दें

कितने ड्यूरेशन में करवा फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चाहे कि प्रिवेंटिव कराना हुँ, है हुँ। तो इट शुड बी ईयरली टू ईयरली तो डिपेंड्स जैसे अगर मेरी मदर को अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो मुझे ईयरली ही कराना है मदर मासी बहन तो इस तरीके का अगर मेरे मेरे में है आ, लेकिन अगर फैमिली में नहीं है कोई ऐसा आ, तो फिर मैं हर दो या तीन साल में और फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकती हूँ पहले तीन तीन साल में कराया टैली किया पिछले बार से इस बार वाला सेम है कोई चेंज नहीं है तो फिर पाँच साल में भी करा सकते हैं लेकिन हाँ हमने दो तीन कॉन्जिकटिव पहले करा लिए एक साल में करा लिया फिर दो साल में फिर तीन साल में एंड इफ एवरी टाइम इट्स नॉर्मल देन वी कैन गो एंड वी कैन डू आफ्टर एवरी फाइव इसका इलाज क्या मतलब इट कैन बी क्यूर और इट द ओनली थिंग विच इज द रिमूवल पार्ट नहीं नहीं अगर आपको जल्दी हो जाता है बहुत छोटा सा है है तो तो आपको सिर्फ सिर्फ होगा निकाल दिया जाएगा अब भी उसी वक्त हो जाती जब आपका निकाला जाए डोंट इवन फॉर डे आपको जैसे ही निकाला आपको उसी वक्त ही आपके खुद के फैट ग्राफ्ट से कर दिया जाता इम्प्लांट भी जरूरी नहीं है सर्वाइकल के आई रिमेंबर कि कुछ ऐज होती है थर्टीन या फिफ्टीन उस एज से ट्वेंटी नाइन या ट्वेंटी एट तक इफ़ यू कैन एग्जैक्टली टेल द डेट जहाँ वो सर्वाइकल वैक्सीन लेना चाहिए तो सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन जैसे हम बोल रहे हैं सर्वाइकल कैंसर के का नहीं है ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के अगेंस्ट है जो वायरस सेक्शुअली ट्रांसमिटेड है जो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड वायरस है वो लड़कों को भी उतना ही इफ़ेक्ट करेगा और लड़कियों को भी लड़कियों को वो सर्वाइकल कैंसर कर सकता है क्योंकि सर्विक्स इज़ दी माउथ ऑफ़ द यूटरस और बॉयज़ को वो पिनाइल और ओरल कैंसर कर सकता है तो 15 साल से छोटे लड़के और लड़की 10 से 15 साल के बीच में दो डोज लगती हैं जीरो जो पहली डोज हो गई और छः महीने बाद दूसरी डोज हो गई तो वो दोनों डोज लगानी है पंद्रह से सत्ताईस साल छब्बीस साल और सत्ताईस से पहले एक और मतलब अगर आप तब तक नहीं लगवा पाए तो ये भी बहुत अच्छी एज है जिसमें आप लगवा लें बट टिल ये इट कैन बी बहुत अच्छी टिलेशन है और हाँ, मैं सुना था कि 27 या 28 तक हाँ, तक की एज और अभी तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट uh, ने भी कहा है कि एच वायरस जो कि अभी बहुत महंगी है uh, जो गवर्नमेंट भी अब uh, मेरे ख्याल से जल्द ही अगले साल तक ले आएगी शायद तीन सौ चार सौ रुपए की होगी जो कि अभी अभी कितने की अभी डिपेंड्स लाइक थर्टी फाइव हंड्रेड टू टेन थाउजेंड ब्रांड फर्क है और स्ट्रेन जो कवर कर रही है उसमें पैंतीस सौ से लेके दस हजार की सिंगल डोज है ओके और दो बार लेनी होती है हाँ दो बार पंद्रह हाँ। साल से पहले नहीं तो अगर आप पंद्रह साल से ज्यादा है तो आपको तीन डोज लेनी है जीरो टू एंड सिक्स गुड इन्फॉर्मेशन Uh, कई बार देखा है कि प्रेगनेंसी हो गई बट देर आर कॉम्प्लिकेशन और उन कॉम्प्लिकेशन की वजह से मल्टीपल थिंग्स कैन हैपेन सो फीमेल्स हुट नाओ वट प्रिकॉशंस दे शुड टेक ऑन द डाइट और द लाइफ स्टाइल फ्रंट हाँ नहीं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये uh, कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जिसको एंटीनेटर पीरियड कहते हैं वो uh, ज़्यादातर लाइफ की वजह से ही होती हैं क्योंकि अगर आप ये देखें कि हमारी पॉपुलेशन चाइना से बढ़ गई है तो इसका मतलब कि हमारे पास डिलीवरी और प्रेगनेंसी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी देखे चाहिए इसीलिए हमने बढ़ा ली है uh, 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 और ज़्यादातर लोग जो 80-90 परसेंट पॉपुलेशन है वो uh, सब काम कर रही है प्रेग्नेंसी एक फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है उनके लिए कोई स्पेशल उसमें कुछ नहीं करना है तो वही हमें समझना है कि इट्स अ नॉर्मल फिजियोलॉजी आप जो पहले खा रहे थे एक हेल्दी डाइट वो खाइए आपको दो लोगों का खाना नहीं खाना है बीएमआई नहीं बढ़ाना है आप एक्सरसाइज कर सकते हैं कई लोगों को ये मिथ है कि हम बेंड नहीं करें नीचे नहीं बैठें सीढ़ियाँ नहीं चढ़ें ड्राइव नहीं कर सकते एक्सरसाइज छोड़ देते हैं अनटे एलनेस योर डॉक्टर हैज़ एडवाइज नॉट टू डू फॉर सम रीज़न आप सभी काम कर सकते हैं इट्स अ नॉर्मल फिजियोलॉजी तो एक हेल्दी डाइट खाना है एक प्रॉपर एक्सरसाइज करना है और हर तरीके की फिजिकल एक्टिविटी करनी है अब क्योंकि आप पहले से अगर कोई कोमोबिडिटी लेके प्रेगनेंट हो रहे हैं जैसे आप ऑलरेडी डायबिटिक हैं ऑलरेडी हाइपर टेंशन है लिपिड प्रोफाइल है, uh, है या थारॉयड है तो वो तो एक कॉम्प्लिकेशन होगी या फिर आपने लेट प्रेगनेंसी uh, प्लान किया तो आपके यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हैं आपकी ओवरी में एंडोमिट्रोटिक सिस्ट हो गई है तो ये सारी चीज़ें अगर कॉम्प्लिकेशंस हैं तो हमें आपकी प्रेग्नेंसी को लिटिल हाई रिस्क प्रैकेट में रखना पड़ता है और देखना होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका ब्लड शुगर ना बढ़े हाइपर टेंशन ना हो जाए या प्रियक्लम्पसिया ना हो जाए तो एंटीनेटल फेज़ में आपके एक रेगुलर विजिट्स हो रही हैं आप जा रहे हैं इम्यूनाइजेशन हो रहा है इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा टेटनस जैप्टीरिया पट्यूसिस ये सब कुछ हो रहा है अगर आप आर एच नेगेटिव है, आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो भी आप स्पेशल प्रेगनेंसी है तो भी आपको एक स्पेशल प्रेगनेंसी की कैटेगरी में रखा जाता है और उसको ठीक से देखा जाता है तो आजकल जो बच्चे प्रेगनेंट हो रहे हैं एक मैसेज है बस कि आप प्रेग्नेंसी को नॉर्मल फिजियोलॉजी समझिए उसके लिए कुछ स्पेशल नहीं करना है और डॉक्टर के पास रेगुलरली जाइए डॉक्टर के साथ विजिट करिए और एक्सरसाइज को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए क्योंकि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक तो आपके सारे वाइटल्स बीपी शुगर सब कंट्रोल में रहेगा बच्चे का वेट हेल्दी होगा और आपको एक नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी का बेटर चांस मिलता है इफ यू आर फिजिकली एक्टिव एक टर्म मैंने यूज आई -आई। करते ये लीगल प्रोसेस है या क्या है आई यू आई नहीं आई यू आई में हम स्पर्म्स को वॉश करके यूट्रस में आ, डालते हैं आ, और ये एक मेडिकल प्रोसेस है जिसमें कि अगर आ, मेल फैक्टर आ, सब फर्टिलिटी है जैसे कि स्पर्म कम है आ, मोट, मोटिलिटी स्पॉम्स की कम है तो आ, जब वॉशअप मेथड से आ, करते हैं स्पॉम्स को आ, प्रोसेस करते हैं तो जो अच्छे मोटाइल और अच्छे क्वालिटी के मोफोलॉजिकली जो अच्छे स्पॉम्स हैं वो स्विमअप मेथड से ऊपर आ जाते हैं और फिर अगर किसी का काउंट पहले कम था तो अब जो वॉश्ड सीमन का जो सैंपल है उसमें स्पॉम अच्छे होते हैं अच्छे क्वालिटी के हैं गुड मोटाइल हैं अब उसको जिस दिन आ, आ, लेडी uh, ओविलेट करी जिस दिन उसका ओवुलेशन हुआ बाय अल्ट्रासाउंड चेक किया उसी दिन उस उन स्पर्म्स को वॉश करा कर उसके यूट्रस में सीधा डाल देते हैं सो दैट वो मेल फैक्टर जो इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी है उसको हम ओवरकम कर पाए मगर ये जो आपने कहा कि आ, ये इलीगल है ठीक है, हाँ।, कौन है हाँ तो ये इलीगल है कि आप सिर्फ मेल क्रोमोसोम्स को सिलेक्ट करें और उसको डाल दें तो ये गलत है मेल एम्ब्रियो को आईवीएफ के दौरान आ, डालना ये गलत है लेकिन ये मिथ बहुत बड़ा है कि आईयूआई करने से जो सुमर मेथड से आते हैं स्पॉम वो मेल होते हैं या जब आप आई आईवीएफ कराते हैं तो जो बच्चा है उसमें बे, बेटा होने के चांसेस ज्यादा है तो इस वजह से इस मिस आ, उस आ, इन्फॉर्मेशन uh, की वजह से लोग लोगों को लगता है कि अगर आई कराएंगे तो शायद बेटा हो जाएगा या आई कराएंगे तो शायद मैं से मैं पूछा आपसे इसलिए जब गूगल कर रहा था तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे कि तो मैं आपके पॉडकास्ट के जरिए मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगी और एक मैसेज uh, सबको देना चाहूंगी यंग uh, बच्चों को बेसिकली ज़्यादा uh, हम लोग uh, बहुत बार ऐसा होता है कि मेरी प्रैक्टिस में मैं बहुत दुखी होती हूँ इस बात को लेकर कि बच्चों को कॉन्ट्रसेप्शन कोई नहीं सिखाता है और यंग गर्ल्स एज यंग एस 16, 17 इयर्स ओल्ड दे कम विद अनवांटेड प्रेगनेंसी और समटाइम्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ पेल्विक इन्फ्लोमेटरी डिजीज़ जो कि उनकी फ्यूचर फर्टिलिटी को बहुत अफेक्ट uh, करेगा uh, तो एक तो पेरेंट्स से ये बहुत रिक्वेस्ट है मेरी और एक बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप पढ़े लिखे हैं और एक गायनोकॉलोजिस्ट आपकी फ़्रेंड है और आप अगर गायनोकॉलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है या जो भी आप शेयर करते हैं वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंशियल होती है तो अपने फ्रेंड से पूछना अपने पेयर ग्रुप से पूछना या डिजिटल मीडिया के माध्यम से कुछ जानकर गलत Uh, एक तो मिथ ना रखें अपने दिमाग में कि ये भी कॉन्ट्रासेप्शन गलत है वो उसका भी साइड इफेक्ट है दे आर सेफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स और uh, uh, अपने गायनोकोलॉजिस्ट से पूछिए uh, और प्लीज़ उन्हें यूज़ करिए क्योंकि uh, ये कॉन्ट्रासेप्शन ना यूज़ करने की वजह से अनवांटेड uh, प्रेगनेंसी होना या आपको पेल्विक uh, इन्फेक्शन होना इज़ नॉट राइट यू आर एजुकेटेड पीपल प्लीज़ गो टू गायनोकोलॉजिस्ट एंड डिस्कस each and every issue, whether you are facing some kind of psychological issue or uh, if you want to have more information about your health, about your breast disease, about cervical cancer vaccine, please go to doctor. doctors are really not judgmental and they would give you right advice. for so, uh, the informative podcast, not only on the purpose of both social factor as we discussed but apart from that, your health issues and your female health issues face यू हैव एक्सप्लेन वेरी नाइसली तो आई थिंक रीडर्स के लिए व्यूअर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा टू लिसन टू दिस पॉडकास्ट कम्पलीटली एंड आई वुड सजेस्ट कि आप इस बुक को भी ज़रूर पढ़ना बिकॉज दिस बुक नॉट ओनली गिव्स एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैम बट इट टेल्स अबाउट लॉट मैनी थिंग्स विच अ फीमेल फेजेस और क्या फीमेल कंडीशन होती हैं क्या मेडिकल कंडीशन होती हैं एवरी चैप्टर टीच यू थ्रू दैट एंड इट्स इट्स वेरी 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 गुड सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाय जरूर करना Ma'am, thanks a lot for being on this show and such show, sharing such an insightful information. Thank, Thank you, you very much. Thank, Thank you. you.